पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। एक छोटे से रोटी के रूप में हमारे बीच विराजमान पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे विश्वास को दृढ़ करने वाले, अपने प्रेम से हमारे हृदय को भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय एक वचन संख्या 16 में प्रभु का वचन ये कहता है, उसकी पूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, 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 अब्बा पिता की महिमा हो, अब्बा पिता की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है कि उसकी पूर्णता से हमें अनुग्रह से अनुग्रह पर अनुग्रह मिली है। इसका मतलब हमारे जीवन, हमारे जो कुछ भी है, हमारे मन, आत्मा, शरीर, सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के कारण, प्रभु के अनुग्रह के खातिर हमें मिला हुआ है। आजकल जितने अच्छे चीजें हम पाए हुए हैं, हमारे पापा, मम्मी, भाई, बहन, वो सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के खातिर मिला है। इसलिए आइए अपने आप को उन खुदाबंद यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करें, जैसे हमारे पूर्वजों ने समर्पित किया अपने आप को, जैसे नबियों ने अपने आप को समर्पित किया, जैसे संत जनों ने अपने आप को प्रभु पर समर्पित किया, उसी तरह आइए अपने आप को समर्पित करते हुए उस खुदावंद मसीह को, उस यीशु मसीह को, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो हमें बनाया है, जो हमें अपने सदृश्य में बनाया है, जिसके यहाँ हमारा जीवन है, जिससे हमारा जीवन छिपी हुई है, उसी खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करें। हे खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है दिल। हे खुदा बंदे खुदा हाकिम, खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है दिल। ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे दर पर ही रुका है दिल। सब मिलके, तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है, हाँ गुनाहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है, तू किनारा, तू किनारा मेरा है,
तू सहारा मेरा है। हाँ गुनाहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। ए खुदा वंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदों में झुका है। ए खुदा वंदे, ए खुदा वंदे खुदा हाकिम, तेरे सर पर ही झुका है। प्रभु का वचन कहता है जोना के पहला पुस्तक में, जब योना ने प्रभु का वचन सुना, सुनने के बाद वो प्रभु से दूर भागने लगा। जो वचन उसको दिया गया था वो वचन वो पूरा ना करते हुए प्रभु से दूर भागने लगा। जब वे प्रभु से दूर भागने लगा तब उसके जीवन में बहुत से तकलीफें आने लगी, समुन्दर में तूफान आने लगी, परेशानियां आने लगी। केवल उसी पर ही नहीं बल्कि उसके साथ जो कोई भी थे उसके जीवन में भी तूफान आने लगे। जब हम प्रभु से दूर भागने लगते हैं, जब हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, तब केवल हमें ही परेशानी नहीं होगी बल्कि हमारे साथ जुड़े रहने वाले सबों को परेशानी हम लेके देते हैं। तो आइए हम उस प्रभु से दूर ना भागे, प्रभु के पास जाए और गुनाहों को कबूल करें। जो कुछ भी तकलीफें हम झेल रहे हैं केवल हमारे ही नहीं बल्कि हमारे दोस्तों के लिए भी हम तकलीफें ले दे आ रहे हैं। तो आइए अपने जीवन को उस खुदाबंद यीशु मसीह को समर्पित करें और कहे तू ही बादशाह है, तेरे लहू से हमें मुक्ति मिली है, तू ही हमें सब कुछ देने वाला प्रभु है। उस पर भरोसा रखे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे और उसकी आराधना करे। हाँ दस्त तेरा की जिंदगी मेरी, तेरे लहू से शराब हुई और मेहरुगम की कोई कैद थी, तेरी फजल से नजाब हुई। अब सोच की पुस्तों को मिली, तेरे कलाम की रोशनी, तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनाहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनाहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदे में झुका है दिल। फिर से खुदा बंदे, ए खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सर पर ही झुका है। प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में प्रभु बादशाह बनकर आएंगे और हमारे विचार करेंगे, हमारे न्याय करेंगे। अगर हमने प्रभु की वचन के अनुसार जीवन बिताया है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह प्रभु है बोल के हृदय में विश्वास किए हैं तो हमारे मुक्ति निश्चय होगा। आमीन। अगर हमने वो नहीं सुना, हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया
और प्रभु यीशु ही हमारा प्रभु बोल के मुख में स्वीकार नहीं किया और हृदय में विश्वास नहीं किया है, तो अंतिम दिनों में प्रभु बादशाह बनकर आएंगे और हमें दंड देंगे। इसीलिए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, आइए उस बादशाह को अपने जीवन में हृदय में ग्रहण करें, अपने जीवन में अपनाएं और कहे, हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू ही बादशाह है मेरा, तू ही जीवन है मेरा, तुझ में ही मेरा वजूद है। ऐसे कहते हुए दुआ करें, प्रार्थना करें और अपने आप को समर्पित करें। तेरे ही बादशाही का वजूद मेरे वजूद में कायम रहे, मुझ में जले तेरी ओह सदा, मेरा जमीर उदायम रहे, और मेरे अल्फाज की गर्दिशें तेरे ही जात का महबर रहे। तू सहारा मेरा है, हाँ प्रभु तू सहारा मेरा है, तू ही मेरा किनारा है प्रभु, गुनाहगार हूँ प्रभु, तू कफारा मेरा, तू ही मेरा कफारा है प्रभु, तू सहारा मेरा है। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस खुदाबंद यीशु मसीह में समर्पित करें, और आंखें बंद करते हुए अपने आप को प्रभु को कहते हुए स्तुति करें। Hallelujah, Jesus, we praise, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, Jesus, we pray. Jesus, we pray.
पौलुस में। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 से 18 तक। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। आज इस वचन पर मनन चिंतन करते हुए आज हम विशेष रूप से ध्यान देंगे वाक्य संख्या 17। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा या प्रकाश में नहीं आएगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने अगर कोई सीक्रेसी रखी है तो इस दुनिया में किसी को नहीं पता। अगर हमने किसी की बुराई की है तो यह बात किसी को नहीं मालूम। अगर हमने कुछ गलत कार्य किया है, कमरे के अंदर अंधेरे में किया है और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो भाई और बहनों ये गलत है ये विचार हमारे। हमने अगर किसी के बारे में कुछ भी कहा हो गलत, या अफवाहें फैले हो, या हमने गॉसिप किया हो, एक बात जरूर ध्यान रखना, ये बात उन तक जरूर पहुंचेगी। अगर किसी ने आपकी बुराई की हो तो क्या आपको मालूम नहीं पड़ता? जी हाँ, हम सबको पता चलता है। इसीलिए अगर हमने किसी की बुराई की या हम कोई बात एकदम सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, देयर इज नो सीक्रेट इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो सीक्रेट है। कई वर्ष पहले एक बहन से बातचीत करने का मौका मिला। बातचीत करते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर, मुझे कभी बच्चे नहीं हुए, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। बात करते वक्त प्रभु ने कहा, नहीं, बच्चे हुए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनसे ये बात पूछने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं पूछा। पर उस व्यक्ति को ये बात समझ में आई। बाद में वो व्यक्ति आके मुझसे पूछे, प्रभु ने आपको कुछ बताया है? मैंने कहा, नहीं, रहने दो, आपको बुरा लगेगा। बाद में उन्होंने बताया, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था। अभी यहां पर यह बात किसी को नहीं पता, लेकिन प्रभु ने आपको बता के दिया। प्यारे भाइयों बहनों, संत पेत्रुस हमसे कहते हैं, प्रभु की आंखें 1000 सूर्य के प्रकाश से भी तेज है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो छिपकर करें। दाऊद ने भी बहुत बड़ा पाप बहुत छिपकर किया था, होशियारी से की थी। इतनी होशियारी से कि किसी को वो प्लान समझ में भी नहीं आएगा कि ये दाऊद का किया कराया है। लेकिन नबी नथान को प्रभु दाऊद के सामने खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं, तुमने यह पाप चोरी चुपके की है, लेकिन मैं जो शिक्षा तुम्हें देने जा रहा हूं वो सबके सामने होगा, वह सबके सामने होगा। विशेष रूप से जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी। आजकल का हमारा एक ट्रेंड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर प्री मैरिटल सेक्स। हमें लगता है ये सही है, कोई गलत नहीं है। रोज किसको पसंद? दाल चावल खाने के लिए कुछ नया हमेशा आजमाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम दुनिया की आंखों को झूठा दिखाकर कुछ कार्य करना चाहे, प्रभु की आंखें आप पर और मुझ पर टिकी रहती है। उससे हम नहीं बच सकेंगे, कभी नहीं बच सकेंगे। और जो चीज हमने चोरी चुपके किया है उसका फल हमें सबके सामने मिलेगा। यही बात हुई थी दाऊद के साथ। दाऊद ने बर्शबा के साथ गलत किया था, दाऊद ने उरिया का कत्ल किया था। प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखाता है कि दाऊद का बड़ा बेटा अब्सलोम उन्हीं के घर में, उन्हीं के छत के ऊपर, उन्हीं की पत्नियों के साथ गलत किया। ऐसा कुछ नहीं है जो हम चोरी चुपके कर सके। हम जो बंद कमरे में, जो अंधेरे में करना चाहते हैं जब हम अकेले हैं, वही हमारा सच्चा रूप है।
अगर हमारा सच्चा रूप ऐसा है कि हम किसी के सामने नहीं ला सकते हैं, तो याद रखना है हमें कि प्रभु एक दिन यह चीज जरूर सबके सामने लाएगा। हर शब्द के लिए हमें प्रभु के सामने अकाउंट देना पड़ेगा, हर कार्य के लिए हमें प्रभु के सामने अकाउंट देना पड़ेगा, हर सोच और विचार के लिए। हमने जो कुछ किया, जो कुछ सोचा, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, सब चीज का हिसाब हमें देना पड़ेगा। कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर हम हमारे जीवन को निर्दोष रखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वचन होना है। अगर हमारे अंदर प्रकाश की जरूरत है, तो हमारे अंदर वचन होना है। अगर हमारे दिल से अंधेरे को हटाना है, तो हमारे दिल में प्रभु की प्रकाश की जरूरत है। इसीलिए प्रभु हमसे जो चेतावनी देते हैं, उसे याद रखें। स्पर्श किया है हमारे जीवन में। हम देख सकते हैं कि कितने बार प्रभु ने हमारे जीवन में एक स्पर्श दिया है। जब वह जीवित थे, तो उन्होंने उस कोढ़ी मनुष्य को स्पर्श किया। वो तो सिर्फ इतना ही कहा प्रभु से, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। प्रभु ने कहा, हाथ बढ़ाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और वो शुद्ध हो गया। जैरूस यही चाहता था कि प्रभु आकर मेरी बेटी को मृत्यु से बचा ले, और प्रभु उसके घर जाकर उसकी बेटी को हाथ पकड़कर उठा लेते। रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने यह सोचा, बस उसके कपड़े का पल्ला को छू लो और मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु उसके लिए वहां पर रुक गया। जब भी प्रभु हमें स्पर्श करते हैं, तो हम पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। हमारे जीवन में पुरानी बातें नहीं होती। ईर्ष्या, घृणा, वासना, क्रोध, अहंकार, यह सब हमारे परिवार से और हमसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर वास करता है। जब प्रभु ने उस अवधूत ग्रस्त इंसान को पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ कर दिया था, वह आकर प्रभु से यही कहा, मुझे भी अपने साथ ले लो। वो इतना खुश था। बर्तिमियुस जब उसने अपनी दृष्टि वापस पा ली, तो वो तो कूदने और नाचने लगा था। जब हम प्रभु का स्पर्श हमारे जीवन में महसूस करते हैं, अपनाते हैं, तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। आज वही यीशु इस परम प्रसाद में, इस छोटे से रोटी के रूप में हमारे बीच विराजमान है। वो हमें सुन सकता है, वो हमें देख सकता है, हमें महसूस कर सकता है, हमें स्पर्श कर सकता है। इस प्रभु के सामने उस जक्कियुस के समान हम आए। बहुत सारी कमियां हमारे अंदर है, लेकिन एक तीव्र इच्छा है कि प्रभु मुझे तुझे देखना है, और प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। इस विश्वास के साथ
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन मेरी मंजुली के लिए, दीपशिखा के लिए और दीपिका के लिए, प्रभु संतान की आशीष इनके जीवन में हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं माधुरी के लिए प्रभु जी, जिन्हें अस्थमा की बीमारी है और जो बहुत डायबिटिक है। हम प्रार्थना करते हैं रोसी फ्रांसिस के लिए प्रभु जी, जो बहुत दिनों से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही है प्रभु, जिनकी डायबिटीज बहुत हाई हो चुकी है, जिनकी आई साइट कम हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा भरोसा आप पर रखा है कि यीशु मुझे चंगा करेगा। हम प्रार्थना करते हैं आशा किरण के लिए प्रभु जी, प्रभु इन्हें अच्छा स्वस्थ लाभ दीजिए प्रभु जी। एक हम आकांक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके परिवार में पहली आज्ञा के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें हैं प्रभु, हर प्रकार के जादू टोने से प्रभु इन्हें और इनके परिवार को संभाल कर रखिए प्रभु जी। हर वो परिवार जो जादू टोने के शिकार हो चुके हैं, जो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन सबको प्रभु हम समर्पित करते हैं इस आराधना के इस क्षण में। हमें हमेशा लगता है कि हमारे परिवार में किसी ने जादू टोना किया है, हमारे विरुद्ध किसी ने कुछ किया है, किसी की बुरी नज़र हम पर लगी है, किसी की बुरी शब्द मुझ पर लग गया है, कुछ असर नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे सभी व्यक्ति इस क्षण इस प्रभु को देखें, इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु को देखकर प्रभु से कहे, ओ प्रभु मुझे भी स्पर्श कर, मेरे परिवार को भी स्पर्श कर, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार की शैतानिक बंधनों से हमें, हमारे परिवार को, मेरे बच्चों को, व्यवसाय को छुटकारा दीजिए। चंगाई दीजिए प्रभु, हरे संदियोहन अपने पहले पत्र अध्याय एक पद संख्या एक में हमसे कहते हैं, हमारा विषय वह शब्द है जो आधी से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है, वह शाश्वत जीवन है जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी यहाँ से इसी विषय के बारे में कहते हैं, यह शब्द जो आदि में विराजमान था, जो ईश्वर है और जो आने वाला है, वही शब्द आज परम प्रसाद में हमारे बीच उपस्थित है। यह हमारे जीवन को बदल सकता है। विश्वास करें कि यीशु मुझे बदल सकता है, मेरे मन को परिवर्तन दे सकता है। प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं एरिन के लिए प्रभु, जो बहुत सालों से एलर्जी का शिकार है प्रभु जी। हम एलिस के लिए और शांतन और ट्रीसा के लिए प्रार्थना करते हैं,
इनके सभी शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। हम मिलन के लिए, जेफ्री के लिए, सोनिया के लिए और मोहित के लिए प्रार्थना करते हैं। एक अच्छी नौकरी इन्हें दीजिए प्रभु जी, विशेष रूप से जो विदेश जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या फिर जो विदेश जाने के बाद बिना नौकरी के भटक रहे हैं, कोई अपना साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारे कर्ज लेकर लोग गए हैं प्रभु। प्रभु इनके जीवन में आपका सामर्थ्य उतरे प्रभु, बंद दरवाजे इनके लिए खोल दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं लोपा मुद्रा के लिए, उन्हें नशे के सभी बंधन से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रश्मि बारा के लिए, ताकि आप उन्हें सब प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देकर एक अच्छा स्वस्थ लाभ दोगे। आज प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के द्वारा हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारे सभी पर्सनल इंटेंशंस प्रभु को रखें। वो कुछ भी हो सकता है, अगर वो प्रभु की इच्छा के अनुरूप हो तो प्रभु वो हमें पूर्ण करके देगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। आज इस आशीष के दौरान हमारे परिवार के, हमारे पर्सनल लाइफ के, हमारे बच्चों के, या कुछ भी जो पर्सनल इंटेंशन है, हम प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि वो कहता है तुम मेरे नाम पर पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इस विश्वास के साथ शीश झुकाते हुए इस आशीष को हम ग्रहण करें। आशीष में हर एक व्यक्ति को आशीष दीजिए जो अपने पर्सनल इंटेंशंस आपको समर्पित कर रहे हैं। Let it be fulfilled in the name of Jesus. Let it be fulfilled for the glory of Jesus. आपकी महिमा के लिए वो पूरा हो प्रभु, आपके नाम के सामर्थ्य प्रकट करने के लिए वो पूरा हो प्रभु। तेरी इच्छा इनके, इन बच्चों के जीवन में पूरा हो प्रभु जी, इन्हें छू ले प्रभु जी। Yes, sure.